माइंड थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। डिविलियर्स को कहा जाता है पता है क्या, बॉलर के दिमाग के साथ वो खेलता है। डिविलियर्स को कहते हैं वो पूरा बॉलर के दिमाग के साथ खेलता है। कहीं को बोलता है जब उन्हें यूं बैठता स्टंप छोड़ के बॉलर के दिमाग में क्या था, स्टंप उड़ा दूं इसके, वहां पे हर बॉलर डाले तो उन्हें पूरा ग्राउंड क्लियर करता हो शॉट में। वो रुकता ही नहीं उस फ्लो पे, वो रुकता ही नहीं है। बहुत खतरनाक शॉट है, उन्हें मारता से नहीं समझता हूँ कोई मार सकते भाई, कोई नहीं मार सकता वो शॉट। वो शॉट मारा है रोहित शर्मा, कभी कभी मार सकते कोई, मगर उसके होता है रेगुलर, हर हर मैच में मार देता हूँ अगर टायरा वो तो कभी भी मार देगा। स्कोर 5 5-5। टेक्निक कुछ नहीं, रन मशीन बोलते हो, ये स्टीव स्मिथ आता देखो फर्स्ट नंबर पे, वो उसका बैटिंग करने का एक अलग स्टाइल है। स्टाइल नहीं वो, अगर टेक्निक बैटिंग देखे तो उसकी टेक्निक कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं टेक्निक है वो। वो क्लासिक क्रिकेट नहीं खेलता, ऑर्थोडॉक्स खेलता है वो, पूरा आड़े टेढ़े शॉट्स पूरे श्रीलंका की टीम तो लगभग खत्म हो गई है, उनका बहुत खराब ट्रांजिशन हुआ। अब उन लोग को क्वालिफायर्स खेलना पड़ता, अफगानिस्तान मैंने समझता हूँ नेक्स्ट 19 के बाद कभी क्वालिफायर खेलती कोई भी आईसी। अभी अफगानिस्तान के पास 6 साल है, रेगुलर सक्सेस है उन लोगों का, टूर्नामेंट नहीं जीते ना, मैचेस भी वैसे नहीं जीते, जीते ना वो आईसीसी क्वालिफायर्स कौन जीते, आईसीसी 2019 तो जीते हैं, फाइनल जीते पूरा वेस्ट इंडीज को हरा के, वो भी एकदम वन साइडेड। इसके जो स्पिनर्स है ना वो मार चुके हैं, खतरनाक स्पिनर है। मुझे राशिद से अच्छा मुजीबुर लगता है, मुजीबुर रहमान, हाँ वो मुझे राशिद से अच्छा लगता है। मुजीब मुजीब भी अच्छा डालता है, मगर मुजीब का उतना वेराइटी नहीं है ना राशिद खान की, राशिद की गुगली नहीं पड़ सकते तो बहुत, वो सेम एक्शन में ही गुगली भी डालता है, सेम एक्शन में ही लेग स्पिन भी डालता है, और पेस भी तकरीबन सेम, नहीं नहीं थोड़ा ड्रॉप होती खाली पेस बस, ना 2-5-6 लेंथ सेम है दोनों पे, उसका स्पिन का भी लेंथ वही रहेगा, गुगली का भी लेंथ वही रहेगा, तुम पढ़ो आप एक बार इससे ना, ऋषभ पंत और इससे पूछो तो केएल राहुल से कि राशिद को खेलने में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, तो बोले वो एक ऐसा बॉलर है जिसकी आप गुगली पढ़ नहीं सकते, चाहे दूसरा आप पढ़ नहीं सकते हो, नहीं उसका बॉल बहुत अच्छा बॉलर है, वो दोनों चीज एक ही एंगल से फेंकता है, एक ही लेंथ पे फेंकता है, सिर्फ स्पीड ज्यादा रहता है। अब आपको प्रिडिक्ट करना है कौन सी अंदर आ रही है कौन सी बाहर जा रही है, एक्यूरेट बहुत है, पर मुझे कब गजब लगता है भाई, मुझे राशिद से अच्छा, राशिद का पता है प्रॉब्लम क्या है, राशिद को सब जान गए हैं, ठीक है, तो राशिद के पीछे अब आने वाले टाइम में हर बैट्समैन राशिद को देखना चाहेगा। 3 लाता कुछ तो भी नए चेंजेस लाता उन्हें बॉलिंग में, फिर हम जैसा बैट्समैन वर्क करते उन्हें भी वर्क करता ही होगा ना, राजन आउट नहीं, अगला कौन जाएगा आपकी टीम, अरे मेरा बैट कहाँ है, आपका बैट आप जानिए ना, अरे गड़िये में तो है थोड़ी के, 11 चाबी कहाँ है, बैग में मेरे, अरे ग्लव गिरा, नेक्स्ट बैट्समैन नेम पियूष,
माचिस है क्या इसके बाद माचिस आई डोंट स्मोक टू ओवर्स 14 बॉलर नेम अखिल अखिल ओके देखो नेक्स्ट टूर्नामेंट में पृथ्वी शॉ भी खेल रहा है किसमें वेस्ट इंडीज वाले में अच्छा है बहुत अच्छा है पृथ्वी शॉ शुभमन गिल पूरे मगर जगह कहाँ बनाएंगे पृथ्वी शॉ का है वो बंदा वर्ल्ड कप खेलने में पूरे वर्ल्ड कप में जो है आउट नहीं हुआ है पूरे वर्ल्ड कप में आउट नहीं हुआ पृथ्वी शुभमन गिल का है शायद वो रिकॉर्ड फाइनल में ओटवा सो खाली पृथ्वी शॉ तो बहुत अंडर 19 बोल रहे ना हां शुभम गिल आउट नहीं हुआ हां एक बार आउट हुआ खाली फाइनल में आउट हुआ पृथ्वी शॉ का सबसे तेज बैटिंग है 213 का एवरेज लेके कौन खेलता है भाई अंडर 19 वर्ल्ड कप 213 का एवरेज शुभमन गिल आज तक किसी का नहीं बना कोई टूर्नामेंट में कोई आईसीसी के टूर्नामेंट में वो इसी तो रिटायरमेंट ले लेगा पता है उसको ब्रेडमैन से ज्यादा उसका एवरेज हो जाएगा किसका ब्रेडमैन का 95 का एवरेज है रिटायरमेंट लिया डॉन ब्रेडमैन का 95 का एवरेज है अगर ये ले लिया रिकॉर्ड टूट जाता इसका ओवरऑल कितना है कि उसके अलावा कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेला भी नहीं है वो ना रिकॉर्ड ही रहता है अनबीटन सेंचुरीज है उसके कितने सिक्स कितने उसके वो आउट ही नहीं होता है बैटिंग पे आ गया तो खत्म 3 ओवर 21 चिपक के और ऐसा है। नहीं है कि टेस्ट मैच के जैसा टिकम टिक खेलता है पूरा मार के उसका 20 ओवर 20 बॉल 25 बॉल तक उसका बस 5-6 रन ही बना रहता है उसके बाद शुरू हो जाता है उसके बाद बॉल टू रन करता है पूरा बाद में कवर खड़ा उससे ज्यादा ही हो जाता है उसका 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट हो जाता है वो जस्ट लाइक रोहित शर्मा है रोहित शर्मा कहते हैं ना रोहित शर्मा को तुम 20 ओवर तक रोक सक 20 बॉल तक अगर आउट कर लिए उसके बाद वो आउट नहीं होता बॉलर नेम प्रीतम बॉलर नेम प्रीतम है प्रीतम प्रीतम कुमार टू पीओस आउट फील्डर नेम हाँ फील्डर नेम नेक्स्ट बैट्समैन कौन है अमय अमय दुबे अभी है ना बहुत बैटिंग सातवें डाउन पर
86 मारना है। अरे इन्हों तेज मारते, आउट नहीं होना था। 21 इन्हों हमें भाई तेज मारते रन, धीरे मारते। ये सर रन आता अच्छा मार दो तो। मैं कॉलेज अपने बैटिंग खेला, बॉलर बन गया। धोनी का कब है कि रिटायर है? वर्ल्ड कप लास्ट है ना इसका? पहले ही अनाउंस कर दिया नहीं उन्होंने? अनाउंस नहीं किया, धोनी पर वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेलेगा। सौरभ गांगुली कैसा हो जाता फिर? खेल तुम बुलाता हूँ गंगुली के साथ। अच्छा नहीं हुआ? हाँ अच्छा तो नहीं हुआ। इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स में उन्हें भी आता, मगर बेचारे को फेयरवेल मैच नहीं मिला, उसकी मिस्टेक है। टाइम आया ले लेना। धोनी के साथ वैसा नहीं कर सकते हो तो। धोनी के साथ धोनी को मगर अकल है ना, उन्हें होने भी नहीं देता। नहीं अकल होने की बात भी नहीं, धोनी जैसा कीपर कोई नहीं है। धोनी को स्टम्प्स में बोल तो 100 on 100 दे सकते, मर स्टंप्स के बिहाइंड उन्हें सही नहीं है, थोड़ा दूर है तो बॉल। डाइव्स नहीं मारता मेन, डाइव्स नहीं मारता, पर धोनी से ज्यादा स्टंप पे विकेट कोई नहीं लिया। कोई भी नहीं कर सकते वो, सही है वो तो। लाइटनिंग क्विक है, अक्ल बहुत ज्यादा है उसको, दिमाग बहुत तेज है उसका, गेम सेंस बहुत अच्छा। बैटिंग भी उसकी उतनी खराब नहीं है, बैटिंग देखो उसकी कितनी अच्छी है। उसका क्या चलेगा बोल तो, बैटिंग में मेन उन्हें पहले कैसे खेलता, स्टार्ट पहले कैसे कर रहा, मगर फिनिश नहीं कर सक रहा। वहाँ पे एक मेन फर्क आ गया उसकी बैटिंग में। प्रॉब्लम वो नहीं है बैटिंग में भाई, सातवें डाउन उतर के एक बैट्समैन 10,000 रन बनाया है, पांचवें डाउन छठे डाउन उतर के, सोच रहे खेला उन्हें बहुत जगह, खेला 2 down 3 down बहुत जगह, बहुत बार खेला वर्ल्ड कप फाइनल 3 down ही खेला है, 3 down 4 down ही खेला, 3 down 4 down कोई बैट्समैन खेल के 3 down 4 down ही खेला। प्रॉब्लम ये ना इंडियन क्रिकेट में कहते हैं पहले 3 बैट्समैन ही जो होते हैं वही इतना रन मार देते हैं कि 3 down 4 down के प्लेयरों को उतना रन मिलता नहीं है कभी, पर वो एक लौता ऐसा बैट्समैन है जो कि इतना रन बनाया है। धोनी जैसा फिनिशर कोई नहीं है अभी भी कहो तो। सही है मगर अब बहुत ज्यादा उसको, बहुत इतना टाइम क्रिकेट के लिए ना तो हर बैट्समैन एक्सपोज होता है, वो तो कॉमन है। वो तो एक्सपोज अब हो चुका, सबको पता है कि धोनी की कमजोरी कहाँ पे है, क्या है। धोनी को अब कोई भी देखते हो यॉर्कर नहीं खिलाता है। धोनी मार उसका शॉट देख के ही भाई, थोड़ा भी इधर ईंट से भी पीछे हुआ या ईंट से ही फुला वही मार देगा, क्लियर कर देगा आराम से, कोई उसको यॉर्क नहीं फेंकता है। कल के मैच में आप देखे धोनी का शॉट डाउन द ग्राउंड स्पिनर को तुरंत तुरंत, थोड़ा सा तुम हटके हम मारे उन्हें। मुशफिक और कैप्टन क्या नाम मशरफ मुर्तजा लॉन्ग ऑन पे उन्हें, उन्हें यहाँ है बॉल यहाँ से चलेगा पकड़ने पर, पावर वही है ना उसके पास। क्या मारा थप्पड़ शॉट इसको कहते हैं, वो बॉल नहीं जाता था अगर वहीं घास कटी भी नहीं रही तो। नहीं नहीं जाता इस ग्राउंड में, बहुत कम बॉल उधर बॉल नहीं जाता। हाँ वहाँ देखिए घास पूरा कटे हुआ है देखिए, इसलिए चलेगा। बॉलर नेम पहले बॉल पे बाउंड्री, क्या हो गया बाबू खान को? तो बाबू खान को मैच नहीं हो रहा, एक्सपेंसिव थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। बाबू खान एक्सपेंसिव है आपको नहीं पता क्या? थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेंसिव आ रहा, उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा आ रहा ना, उसका मेंटेनेंस ज्यादा है।
देखोगे एकदम तो पूरा हफ्ता बहुत बड़ा है उसका, जरा दूसरे चीज़ें भी है उसका नहीं हुई। ये ग्राउंड से डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई कर ले तो आता हूँ उसका मेंटेन। यार इसका तो मेंटेन ही नहीं करता ये। अरे नहीं मेंटेन तो करना ही पड़ता, कैसा ही पानी डालना पड़ता वीक में एक बार। चौका 424 अब तो बैट्स भी आ गए ऐसे ऐसे ना। ये बैट 4 साल का हो गया। ये कोहली का बैट हो ना मेरे को एक आके देखे तो किराए दिख रहा उसका मैं। नहीं नॉक कैसा कराता हूँ मशीन नॉक रहते ना बुरे नहीं करते उतना करते कराते नहीं करते करते कोई भी नया बैट करते ना जब खरीद के लाते वो लोग पहले तो उन्हें खरीदना नहीं पड़ता उनको बैट बैट मिलते हैं उनको ठीक है। नहीं नहीं बैट तो ना खुद अपना अपना बनाते सब अपने अपने हिसाब से बनाने लगाते वो उसके बाद वो लोगो खाली चिपका लेते वो विलो जो है ना वो जाके किसी कंपनी में विलो सेलेक्ट करते ठीक है वहां से सेलेक्ट करके वो पूरा पटरा एक सेलेक्ट करते बैट नहीं सेलेक्ट करते जिससे बैट बनना है एक बैट वो पूरा सेलेक्ट करते उसके बाद उससे वो कटवाते शेप करवाते फिर वो बैट आता है इनके पास पंच वंच होके फिर ये देखते हैं कि ये वेट है कि नहीं सही फ्लिक जा रहा है कि नहीं फिर वो बनता वो लकड़ी से पूरे वो साइज के सेम वैसे वही लकड़ी का एक ही बैट बनेगा। हैंडल कितना होना है बैट कितना होना सब होता है। पूरे जो मेन प्लेयर हैं बड़े पूरे एमआरएफ वाला ही डाल के रखा विराट कोहली शेखर धवन एबी डेविलियर्स और कौन के है ना इसके बड़े सिर्फ ये अलग है रोहित शर्मा सीएट से खेलता है। हाँ रोहित शर्मा को सीएट वाला नहीं छोड़ा कोहली को ले लिया बाद रोहित शर्मा की जरूरत नहीं है मैंने धवन भी ऊपर से नहीं नहीं रोहित तो, शर्मा इज डिफरेंट जो रोहित शर्मा डैमेज कर सकता है वो कोहली डैमेज नहीं कर सकता। कोहली क्रिकेटिंग सेंस उसका ज्यादा है रोहित शर्मा से और शॉट्स भी बहुत वैरायटी है रोहित शर्मा का काम उतना शॉट इसका शॉट्स बहुत है ने बहुत मार सकता है शॉट कोहली। रोहित शर्मा के पास पावर बहुत है उसको अगर बोला जाए कि एक 6 बॉल है तुम्हें इसमें 12-13 रन बनाना है आराम से वो मार देगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। खाली ने थोड़ा सेटिंग की दे रही थी रोहित शर्मा का कभी देखना तुम मैच देखोगे ना कैसे इनिंग बिल्ड करता है उसका 20 बॉल तक देखोगे ना 5 रन 4 रन ऐसे बना रहता है रोहित शर्मा का रन नहीं मारते हुए। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड स्कोर 35 5 ओवर्स का एवरेज उतना ज्यादा कहीं को नहीं है बोलता कभी कभी एकदम बहुत ही गली शॉट सिलेक्शन करता मगर यार एक बार 50 बॉल खेलने बाद वो आउट नहीं होता फिर बहुत खतरनाक बैट्समैन बन जाता वो 50 से शुरू करता है 50 उसका हो जाता है तब वो स्टार्ट करता है तेज खेलना। 1-200 के वास्ते कितने 118 बॉल्स लिया था वो 264 के जब उसके बाद अरे देखो 264 कितने में हो गया 100 बना उसका 150-60 बॉल्स भी नहीं खेला उसके 50 ऑड बॉल्स खेल के 150 मारा उसके बाद उसमें तो मार के ऐसे कहते कैच छोड़ दिया श्रीलंका के बैट बॉल फील्डर ने तो अरे ये भी नहीं पकड़ा भाई बॉलर नेम बहुत डॉट खेल ले रहा है 2020 में ओपनर होना चाहिए मारा पीटी वाला सुनील नारायण उसको तो अलग तो कुछ है ही नहीं मैं पहले बॉल पे भी आउट हो गया तो कोई बात नहीं यार वैसे तो ही तो बैट्समैन था ही नहीं बोलता हूँ वो तो ऐसे ही था एक उसके ऊपर कुछ प्रेशर ही नहीं है बैटिंग का इसलिए इतना रन मार देता उसका अब वो नेचुरल फ्लो भी है उसका उन्हें सबसे बेस्ट थिंग बोलता तो बॉल डालने से पहले फ्रंट लेग क्लियर कर लेकर रहता ओवर पिच डालो शॉट डालो उसका दिखता है वो मतलब समझ जाना है ओवर पिच गया तो पार कैसा उसी में एक और बैट्समैन है ना क्या नाम है लिंग ऑस्ट्रेलिया का जो है वो बहुत डिस्ट्रैक्ट है गुड शॉट
उसकी डिक्शनरी में हाफ शॉट है इसने क्रिस्लिन के। क्रिस्लिन एक आईपीएल बिना आउट हुए खेल गया, इंजर्ड होके गया वो। हां इंजर्ड होके बाहर हुआ टूर्नामेंट, आउट नहीं हुआ था वो। रुक जा ओवर के बाद उसको मेन ऑस्ट्रेलिया वाले बुला भी लिए, वो इंजर्ड का आईपीएल पान सीरीज थी ना हेड बड़ी लोग के साथ किलों के साथ थी। बिग बैश बहुत प्लेयरों को बुलाया पर चला नहीं कोई। टिकॉक भी कितना सक्सेसफुल था बिग बैश में, ये आईपीएल में आके पूरा फ्लॉप हो गया बेचारा। 6 hours 43 मारी दिए होते उसको पूरा उठाते मन में तो मारने का पहला बॉल अच्छा लगा बैट पे, बहुत तेज गया उसका बॉल, वो हाथ में चिपक गया उसके, वैसा सब चिपकता है। सेकंड अटेम्प्ट में पकड़ लिया, तुम खेलते? हाँ किससे? अरे तो स्टेट से खेल के भी छोड़ दिया। स्टेट बॉलर नेम जिंदा से खेला स्टेट खेलती जो छोड़ दी, स्कूप नहीं है वो। बॉलर नेम बॉस, बॉलर नेम दीपक, आजकल इंडिया में नहीं है फिर भी ऐसा खेलने वाले को चांस देने का अब तो चांस है। अब तो इतना सब आ गया तुम्हारा तमिलनाडु प्रीमियर लीग ये सब आ गया तो वहाँ तक जाने के बाद से ही थोड़ा बहुत ज्यादा स्टेट खेलने वाला तो नहीं खाली वो पैसे वैसे पूरा स्टेट खेलने वाला लड़का हर स्टेट खेलने वाला लड़का अब खेल लेगा सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करेगा। एक बार तमिलनाडु प्रीमियर लीग ये तुम्हारा एक और आ रहा है महाराष्ट्र का IPL अभी कहाँ सिलेक्शन हो रहा है सब इसी सबसे IPL का सिलेक्शन कर रहे हैं। SS वाले दिए भी थे क्यों दिए वो ही बैट से अभी भी खेल रहा हूँ बैट वापस बहुत अच्छा बैट दिए वो लोग जो देता है ना भाई स्पॉन्सर बढ़िया बैट देता है बहुत अच्छा था बैट आज भी है मेरे को जाने ही नहीं दे रहा है यहाँ से पैट पहन लो जल्दी चले मारना ही कितने लोग चार्ज दिए तो ना 62 मारना है खाली पूरी टीम को पहला बैटिंग करके कितना रन मार के जीतना चाहते हो देखे जगह केदार यादव का स्पीच तो सुनने लगते हैं I don't know.
7 ओवर 49 49 7 ओवर 49 बॉलर नेम आपका बैट का हैंडल का पीछे नहीं लगेगा थोड़ा थोड़ा कट कट आवाज कर रहा है बढ़िया है मन कर गया बहुत दिन का जो उम्र खत्म हो गई उसको ट्रेन करवा के रख दिया साक्षी मान्या हाफ माइल लड़के स्वीप मारना ही नहीं था उसको स्लॉग स्लॉग स्वीप वो भी नहीं कर रहा था वो वही बैट को उठा रहा था सीधा लेंथ देख के खामोश बैठ गया थोड़ा खोल है बोल खोल दे बैठ गया खोल दो कैची नहीं है कैची लेगा थोड़ी चाहिए इधर हेलमेट रखा तो कहाँ से कैच लेगा खोल दो ना लाइटर है ना लाइटर दीजिए एज पे जलाना हाँ बेस्ट बेस्ट इसे जला देना वही वो बहुत 4 साल हो गए आप उन तो सिर्फ 4 साल से मेरे 6 साढ़े 6 साल हो गए मेरे को दिए सर ऐसे सारे अभी तक चल रहा है अरे वो उससे पूरा टीम खेलता है उससे हाँ। मेरे बैट से भी सेम पूरा टीम खेलता है दो बार बेचारे का हैंडल बदला गया एक नंबर बैट है वो इसका ब्लेड इतना मोटा है आपके बैट का मेरा बैट बहुत पतला है कजा वो बैट पतला बहुत लाइट लॉर्ड्स देखे हो हाँ। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड हाँ उसका मैं एक बार छक्का मारा था तो नेट पार करके स्पिनर को मारा था ठीक है नेट्स छोड़ दो पिच से जितना मारा ना वो ग्राउंड क्रॉस होने के बाद जितना दूर पिच था ग्राउंड के बाउंड्री से उतना दूर गया इतना दूर मारा एफर्टलेस ये नहीं कि बहुत जान लगा के बस फ्लो में मारते चला गया क्या कर रहा है ओए हमें एक कॉल 8 hours 54 क्या हुआ खुल गया पूरा नहीं पूरा नहीं एक बार अब उसमें कुछ नहीं करूंगा जो होगा आ जाएगा 8 hours कितना 54 54 तो क्रिकेट से दिल्ली उड़ गया मेरा तो क्रिकेट से दिल्ली उड़ गया और ऐसे तो अब खेलते किसी टीम से आओ खेलते मगर ऑरेंज ऑरेंज में बढ़िया बढ़िया टीम है नहीं एक नंबर टीम सब उसमें सिर्फ खेलने वाले ही आते उसमें ऐसे पिच पे 200 रन तो बनना ही है आराम ऑरेंज मुझे लगता है 150 रन एवरेज होता होगा नहीं हाँ बहुत कम कोई एक्सेप्शनल कोई बॉलर का दिन है वहाँ पे एक्सेप्शनल बॉलर्स रहते नहीं कैसे भी रहो पूरा एक दो छक्के पड़े तो कोई भी बॉलर की लाइन बिगड़ जाती है एक छक्का पड़ेगा एक मैच में तो दूसरे मैच तक बॉलर का नाम क्या है अकेला राशिद अभी खेलता है
पता नहीं, मैं भी छोड़ दिया। बढ़िया बैट्समैन था वो। एक टीम नहीं है ना, पहचानना मुश्किल है। जी इलेवन सबसे ज्यादा वो जी इलेवन जी चुके थे। जी इलेवन ने उसके बहुत सारे टीम आए। एक कोई कंपनी से भी तो है। बॉलर का नाम अखिली है क्या है? भाई बॉलर अखिली है ना भाई, बॉलर अखिली है ना। फील्डर बॉस बॉलर। अच्छा दीपक है, अखिली को डाल दिया था पहले, वॉकी टॉकी भी होता था। इसको इतना इधर क्यों रखा है? इसको दो है। और ये डायरेक्ट लग गया होता तो। पानी दे पानी। क्या तुम कुछ गिरा है? गुड प्ले हम पैर के पास है, पैर के पास। 9 ओवर 61 बॉलिंग बनी है हमें। बॉलिंग बना नहीं रहा है, पानी का दौड़ रहा है। हमें यहाँ पे खराब जगह बैठे हैं आप, कुछ बोल नहीं पाई। जरूरत क्या है? हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं, टीम की बात नहीं कर रहे। आखिरी ओवर तक मैच गया था मुझे पहले। इसका बल्ला ही नहीं उठता है। हो जाए स्लीप की ये कैसे कुछ है भाई? सब तो आप ही रहते हो, और कोई आएगा भी? आएगा तो मतलब ओपनिंग भी होगी। आएगा तो मतलब कुछ ओपनिंग भी होगी। कहाँ जाएगा? फिलहाल तो चाहिए होगा 5 बॉल पे 13 तब भी नहीं करना पड़ेगा। भाई कौन से टाइम में मत आने दें, पहले ही ऊपर भेजो पड़ेगा बच्चों को मार के। तकने अरे ये बहुत बढ़िया। इस दिन कहाँ रोकता है? इस दिन अच्छा बॉलर होता है। मेरा मुद्दा ये है, नहीं 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 उस दिन कहाँ रोकता है जिस दिन बढ़िया बॉलर होता है। हाँ सर, फील्डर फील्डर वीडियो थोड़ा इधर। ओके ओके चल। दिन रोके तब हम मान सकते हैं कि चलो हाँ ठीक है। सुपर वेंचर बोल रहा है हेलो हेलो सर, अली बात कर रहा हूँ सर। वो ट्यूसडे ग्राउंड अवेलेबल है क्या मॉर्निंग? हाँ सर, मेरे वास्ते बुक कर दीजिए ना मॉर्निंग स्लॉट 11 तक का। ऐसे ही तुझे खेलना है भाई, मॉर्निंग स्लॉट बोल रहा हूँ 11 तक का। वो नहीं करना। हाँ 7 नहीं 8 से 11 तक का, 11 तक की तक का। अरे सर क्यों, हम तो ले रेगुलर कह रहे हो ना सर, हम लोग आपका डबल है अपने लिए। क्या प्राइस ज्यादा सर, उतना ही रखिए प्लीज। अरे सर कोई भी दूसरे ग्राउंड नहीं बढ़ा रहे, हॉलीडे का है खाली, तो वीकेंड थोड़ी है। अरे देखिए सर, फिर भी अगर कोई भी नहीं है तो मुझे दे दीजिए 2-5 में।
बॉलर नेम संतोष संतोष ना बॉलर नेम नहीं ठीक है दो मैच हार गए इस टीम के खिलाफ भी अभी पहले बॉलिंग लेना है तुमको इससे अच्छा है कि रिजर्व नहीं करते तो मत करते पता कि पहले भी बॉलिंग कैसे करेंगे अरे लौड़ा नहीं पता है 200 रन मारा था जो टीम फील्डर नेम दो सौ तुम एक बात बताओ 200 रन की टीम मारा क्या हाँ ओए अभिषेक पैड खोल के आना इधर उधर उधर पैडी लेके मत जा पैड खोल ले पहले सब कुछ खोल के थर्टी सिक्स फिफ्टी टू छत्तीस है ये छत्तीस फिफ्टी टू बॉल नेक्स्ट बैट्समैन कौन है भाई सिद्धार्थ लास्ट टू हाँ टू लास्ट टू
12 ओवर्स 82 82 required 25 bowler name bowler name हेलो सलाम अलैकुम नहीं नहीं है कटे ग्राउंड उसका मिलगिरी वाले का फोन नहीं लग रहा वो क्या बोलते उससे पूछा क्या बोलते अपने राघविंदा वाले से है बोल रहा हूँ नहीं मगर हॉलीडे पैसे वाले हो मैं पूछा नहीं थर्टीन आवर्स 85 क्या है वो मतलब क्या है वो ग्राउंड हाँ दे रहे नक्को अच्छा ग्राउंड अच्छा नहीं है वो को खेल करे वे बेकार गाँव में कितने में कितना सही 22 बॉल्स 42 बॉल्स 22 रन बॉलर नेम शमशाबाद का बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से अपन जिसमें खेले ना एमपीएस एक नंबर है ग्राउंड और गाँव ना वैसा है तो बहुत अच्छा है वैसा है ग्रास एमपीएस में ग्रास देखा ना पूरा ग्राउंड ग्रास है गुड प्ले जान मेरे को कई कैसे ग्राउंड है चथेर नंबर तो भी जा स्नैप पे नहीं रेगुलर मैसेज कर स्नैप नहीं है नेट नहीं है मेरा रेगुलर
14 overs 92. Required 15. 9 8 6 9 8 6 8. Sir, baller name? Kirti. सिक्स ही चाहिए। हाँ ठीक है सर, थोड़ा बढ़ा के बोलना चाहिए। कितने को? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ओए 11 रन चाहिए जीतने के लिए, 6 चाहिए तेरे को, 11 टू विन, 6 चाहिए तेरे को। अमेरिका कितना हुआ? 44. हे गुड वन, गुड वन। लॉफ्टेड नहीं, लॉफ्टेड नहीं, आराम से ग्राउंडेड। फिफ्टीन ओवर 96। बॉलर नेम सर? अखिल। टाटा लड़के गुच्छा गुच्छा मत करना, सब लेके आ।
छह रन सात रन सात रन तुरंत कौन ये बैट खरीदा विक्रांत विक्रांत बैट भी खरीद लिया भाई इनका 49 हो गया वेल प्ले लड़के 50 बॉलर नेम हाँ प्रीतम कुमार कितना रिक्वायर्ड भैया शॉट है शॉट है रौनक पीयूष का दोनों का तीन तीन विकेट है अमे का एक विकेट है 50 रन है अमे का कई को कहते हैदराबाद छोड़ के जवाब भी सर को